ओरछा शहर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित है। यह शहर अपने भव्य मंदिरों और किलों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ के भव्य मंदिरों और किलों को देखने हर रोज हजारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। भव्य किलों और मंदिरों के अलावा ओरछा की एक और ऐसी जगह है जो इसे टूरिस्टों के बीच महत्वपूर्ण जगह बनाती है, और वह है राजा राम का मंदिर। जी हाँ, भगवान राम का मंदिर, जिन्हें यहाँ राजा समझकर पूजा जाता है और दिन में 5 बार पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान राम को गार्ड ऑफ ऑनर देने की परंपरा करीबन 400 साल पुरानी है। राम राजा को समर्पित यह मंदिर बेहद भव्य और आलीशान बना हुआ है। यह मंदिर देखने में एकदम महल जैसा प्रतीत होता है। इसकी वास्तुकला में बुंदेला स्थापत्य के बेजोड़ नमूनों को देखा जा सकता है। कहा जाता है कि मंदिर बनने से पहले यहाँ महल का निर्माण किया गया था, लेकिन मूर्ति को पहले ही स्थापित कर दिया गया था, और जब मंदिर बनने के बाद मूर्ति को स्थान से हटाने के प्रयास किए गए तो कोई भी सफल ना हो सका और महल को ही मंदिर के रूप में परिवर्तित किया गया और इसका नाम राजा राम मंदिर रखा गया। कहा जाता है कि रोज यहाँ राजा राम अयोध्या से अदृश्य रूप में आते हैं। मंदिर में राजा राम, लक्ष्मण और माता जानकी की मूर्तियाँ स्थापित हैं। इनका श्रृंगार अद्भुत होता है और मंदिर का प्रांगण भी काफी विशाल है। मंदिर के खुलने और बंद होने का समय निश्चित किया गया है, क्योंकि ये राजा का मंदिर है इसलिए इसके खुलने और बंद होने का समय भी तय है। सुबह में मंदिर 8 बजे से 10:30 बजे तक आम लोगों के दर्शन के लिए खुलता है। इसके बाद शाम को मंदिर 8 बजे से दोबारा खुलता है। रात को 10:30 बजे राजा शयन के लिए जाते हैं। मंदिर में प्रातःकालीन और सायंकालीन आरती होती है, जिसे आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि मंदिर परिसर के भीतर बेल्ट पहनकर जाना भी इसलिए मना है क्योंकि राजा के सामने कमर कसकर जाना उनका अपमान माना जाता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति बेल्ट पहनकर मंदिर में दाखिल नहीं हो सकता। मंदिर परिसर में फोटोग्राफी भी निषेध है। मंदिर का प्रबंधन मध्य प्रदेश शासन के हवाले है, पर लोकतांत्रिक सरकार भी ओरछा में राजा राम की हुकूमत को सलाम करती है। यहाँ पर लोग राजा राम के डर से रिश्वत नहीं लेते और भ्रष्टाचार करने से डरते हैं। सन 1600 में तत्कालीन बुंदेला शासक मधुकर शाह की पत्नी महारानी कुंवारी गणेश स्वयं राम राजा की मूर्ति को अयोध्या से ओरछा लेकर आई थी। एक दिन राजा ने अपनी रानी को कृष्ण उपासना के लिए वृंदावन चलने को कहा, लेकिन रानी, जो कि राम की भक्त हो गई थी, वे उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। राजा ने भी क्रोध में कहा कि अगर तुम श्री राम की इतनी ही बड़ी भक्त हो तो तुम उन्हें ओरछा ले आओ। रानी ने अयोध्या में रहते हुए सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किले के पास अपने लिए एक कुटिया बनाई और उसी में रहकर श्री राम की साधना आरंभ की। उस समय संत शिरोमणि तुलसीदास भी अयोध्या में ही साधना में लीन थे। तुलसीदास ने रानी को आशीर्वाद दिया, लेकिन इसके बाद भी लंबे अरसे तक तप करने के बाद भी रानी को श्री राम के दर्शन नहीं हुए। वह निराश होकर सरयू नदी में ही अपने प्राण त्यागने के उद्देश्य से बहते जल में कूद गई। उस जल की गहराई के भीतर ही रानी को भगवान राम के दर्शन हो गए और उसी समय रानी ने श्री राम को अपने साथ ओरछा चलने के लिए कहा। उस समय भगवान ने उनसे एक शर्त रखी थी कि वे तभी ओरछा जाएंगे जब उस राज्य में उनकी सत्ता कायम हो जाएगी और राजशाही का अंत हो जाएगा। रानी ने श्री राम की यह शर्त मान ली और उन्हें अपने साथ लेकर ओरछा आ गईं। तब से लेकर अब तक सिपाही से लेकर आम जनता श्री राम को भगवान श्री राम नहीं बल्कि राजा राम की तरह सम्मान देते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ओरछा की पूरी कहानी, हमें नीचे कमेंट करके बताइए। गाइस, रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।